सो हे गाइस, वेलकम बैक टू बाय टैप टेक। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे फोन में कौन कौन से सेंसर्स लगे होते हैं और उनका क्या काम होता है। क्योंकि जब भी हम फोन परचेज करने जाते हैं, हम लोग कहाँ ध्यान देते हैं? हम लोग मेनली ध्यान देते हैं उनके प्रोसेसर के ऊपर, कैमरा, रैम, स्टोरेज, हम ये सारी चीजें तो चेक कर लेते हैं। इवन हम कलर भी देखते हैं, कलर कौन सा है, जिसका कोई भी काम नहीं है किसी भी फोन के ऊपर, हम कलर चेक करते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। बट एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक वाइटल रोल है एक फोन के अंदर, वो चीज़ हम देखना हमेशा भूल जाते हैं, और वो होते हैं सेंसर। क्योंकि एक फ़ोन के अंदर बहुत सारे सेंसर लगे होते हैं जो उसके बहुत सारे कूल फीचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि जब आप कॉल को पिक करते हो तो जो लाइट होती है या फिर आप कह लो स्क्रीन ऑफ हो जाती है जैसे ही आप अपने कान के पास लेके आते हो, और जैसे ही हटाते हो वहाँ पर लाइट वापस आ जाती है, स्क्रीन ऑन हो जाती है। या फिर आप कभी आउटडोर जाते हो तो फ़ोन की ब्राइटनेस का ऑटोमेटिकली बढ़ जाना, ये सब कैसे काम करता है? ये सब काम करता है सेंसर की वजह से। अगर सेंसर नहीं होता तो आपको इनमें से कोई सा भी फीचर देखने को अपने फ़ोन के अंदर नहीं मिलता। और क्योंकि हम इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देते तो जो हमारे ब्रांड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर जाते हैं इन सेंसर्स के ऊपर। और जबकि जो एक्सपेंसिव फ़ोन होते हैं उनके अंदर लगभग आपको सारे ही सेंसर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर वो आपको बहुत सारे सेंसर या फिर आप कह सकते हो एक आध सेंसर फालतू ही देखने को मिल जाता है एक्सपेंसिव फ़ोन के अंदर, जो कभी कभार हमें लगता है इसमें इतना एक्सपेंसिव क्या है, ये इतने महंगे क्यों है, तो वहाँ पर सेंसर भी एक रोल निभाते हैं। और यही मिड रेंज फ़ोन थोड़े सेंसर कम कर लेते हैं तो पैसा तो एटलीस्ट बचता ही है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ चलती है। तो जानते हैं हमारे फ़ोन के अंदर कौन कौन से सेंसर होते हैं और इनका क्या काम होता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब आप कॉल पिक करते हो तो वहाँ पर जो आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाती है, तो यहीं पर काम आता है हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जैसे ही मैं कॉल पिक करूंगा और अपने कान के पास लेके आऊंगा, एक जैसे ही वो डिस्टेंस पे आ जाएगा उसके बाद मेरे फ़ोन की स्क्रीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी ताकि जो अनवांटेड टच है मैं उससे बच सकूं। और सेम तरीके से काम करता है जो आपका पॉकेट मोड होता है फ़ोन के अंदर, वहाँ पर भी यही चीज़ होती है। जैसे ही आपने अपने फ़ोन को पॉकेट में डाल दिया तो वहाँ पर जो स्क्रीन है उसकी वो ऑफ हो जाएगी ताकि कोई भी अनवांटेड टच वहाँ पर ना हो। फिर इसके बाद आता है हमारा एम्बियंट लाइट सेंसर। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है, लाइट सेंसर तो आपको पता चल ही क्या होगा। ये आता है आउटडोर के काम, यानी जैसे ही अगर हम आउटडोर जाते हैं वहाँ पर जो हमारी ब्राइटनेस का ऑटोमेटिक बढ़ना घटना, अगर हम रूम के अंदर है तो ब्राइटनेस कम हो जाती है रूम के लाइट की लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से। अगर रूम में भी लाइट ज़्यादा है तो हो सकता है ब्राइटनेस वहाँ पर बढ़ी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, वो इस हिसाब से काम करता है। तो ब्राइटनेस बढ़ाना घटाना ये सब काम होता है एम्बियंट सेंसर का। और जैसा कि आपने देखा था रिसेंटली एमआई का एक फ़ोन आया था, उसके अंदर दो एम्बियंट सेंसर वहाँ पर उन्होंने दिए थे इस चीज़ की परफॉर्मेंस को और ज़्यादा एनहेंस करने के लिए। फिर इसके बाद बात आता है एक्सेलेरोमीटर। एक्सेलेरोमीटर का क्या काम होता है? ये आपकी फ़ोन की मूवमेंट को ट्रैक करता है, यानी जब आप फ़ोन को रोटेट करते हो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, यहाँ पर जब आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है वो रोटेट होती है वो इसी वजह से होती है। और ये बहुत जगह पर गेम खेलते टाइम भी आपके बहुत सारा काम आता है। ये थे वो कुछ बेसिक सेंसर जो आपको सभी फ़ोनों में देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अब कुछ ऐसे सेंसर भी होंगे जो मिड रेंज फ़ोन स्किप कर रहे हैं या फिर अपने फ़ोन में डालना पसंद नहीं करते। कॉस्ट कटिंग, आप जो भी इसको नाम देना चाहो, कॉस्ट कटिंग नाम भी दे सकते हो, या फिर उन्हें ऐसा लगता हो ये फीचर अब उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं रहा लोगों के लिए, तो वो सेंसर वहाँ से हटा देते होंगे। जैसे आज के टाइम पर अगर मैं बात करूँ पेडोमीटर, यानी कदम नापना आपने कितना चला, तो हो सकता है कुछ फ़ोनों में हो कुछ फ़ोनों में ना हो, तो ये चीज़ वहाँ पर डिपेंड करती है फ़ोन का प्राइस कितना है या फिर कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है उन्होंने ये सेंसर वहाँ पर दिया भी हो। और भी कुछ सेंसर आ जाते हैं जैसे कंपास। कंपास भी आपको अगर कुछ फ़ोन देखोगे आप जहाँ पर कंपास आपको देखने को नहीं मिलता, मैं सभी फ़ोनों की यहाँ पर बात नहीं कर रहा, पर कुछ फ़ोन स्टिल ऐसे हैं जहाँ पर आपको कंपास देखने को नहीं मिलता। क्योंकि और रियलिटी भी यही है, कंपास हम अपने डेली लाइफ में कितना यूज़ करते हैं, और मेरे ख्याल से तो मैंने तो अपना फ़ोन आज तक यूज़ नहीं किया, 2 साल तो हो गए मेरे फ़ोन को यूज़ करते करते, मैंने तो कभी अपना फ़ोन यूज़ अपने इस फ़ोन की बात कर रहा हूँ ना इससे पहले किसी दूसरे फ़ोन में मैंने अपने यूज़ किया है कंपास को। फिर अगर बात करूँ आईआर ब्लास्टर, जो आपको कुछ फ़ोनों में देखने को मिल जाता है और मेनली आपको Xiaomi यानी Redmi MI के फ़ोनों में देखने को मिल जाता है आईआर ब्लास्टर, जो कि एक बहुत काम की चीज़ है। जैसे अगर आप बैठे हो आपका मन नहीं कर रहा, और सर्दियों में तो बहुत काम की चीज़ है, आपको रिमोट उठाने नहीं जाना पड़ेगा, अपना बस फ़ोन खोला, अपने फ़ोन से टीवी चैनल चेंज कर लिया, एसी को ऑन ऑफ कर लिया, ये सारी चीज़ें आप बड़ी आराम से कर सकते हो आईआर ब्लास्टर के साथ। अगला सेंसर है जायरोस्कोप। अब गेमर्स तो इससे परिचित होंगे ही, तो जायरोस्कोप आप काम आता है आपका गेमिंग करने में ये तो पता ही होगा, जायरोस्कोप ऑन कर लो पबजी में, ये सब चीज़ें आपने पक्का देखी होगी, इतना तो सर्च कर ही लेते हैं सारे गेमर्स जो होते हैं खासकर वो, तो ये तो पता ही होगा। और इसका दूसरा यूज़ आप ये कह सकते हो AR वगैरह यानी ऑगमेंटेड रियलिटी में भी इसको बहुत जगह काम पर लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं बैरोमीटर की। अब आपने बैरोमीटर एक जगह और नाम सुना होगा प्रेशर नापने के लिए, बट फोन के अंदर इसे प्रेशर नापने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, फोन के अंदर इसे यूज़ किया जाता है आपके अल्टीट्यूड को चेक करने के लिए। यहाँ पर ये किस काम आता है? यहाँ पर ही आपको GPS में एक परफेक्ट लोकेशन देने में बहुत ज़्यादा काम आता है। और यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो GPS को भी इंक्लूड कर सकता हूँ, बट
फिर वो एक फीचर भी हो जाएगा और चिप लगी होती है उसके, तो वो एक थोड़ा अलग टॉपिक हो जाएगा, बट स्टिल GPS को भी अगर आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। और उसी तरीके से होता है NFC को भी अगर आप चाहो तो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अब यहाँ पर NFC की फुल फॉर्म होती है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। इसका मतलब क्या है, अगर आप कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपको कोई एक शेयर रेट के माध्यम वगैरह, शेयर रेट हो गया, MI शेयर वगैरह वगैरह ये सब आते हैं, उससे शेयर करना पड़ता है, जिसमें स्पीड भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। पर अगर आपके फ़ोन में NFC है, यानी दोनों ही फ़ोन अगर NFC कंपैटिबल हैं, तो आपको बस एक टच करना है और आपकी जितनी भी फाइल वगैरह है वो सारी तुरंत की तुरंत शेयर हो जाती हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा हैंडी फीचर है। और मिड रेंज फ़ोनों में तो शायद ही आपको देखने को मिले, हो सकता है कोई एक आध फ़ोन आपको दिख जाए मिड रेंज के अंदर जहाँ पर आपको ये NFC का फीचर देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, अगर बात हो रही है एक्सपेंसिव की, यानी अगर बात हो रही है प्रीमियम फ़ोनों की, तो वहाँ पर आपको सभी जगह पर NFC देखने को ज़रूर मिलता है, वो एक बेसिक फीचर है, वहाँ पर NFC इंक्लूड होता ही होता है। तो ये थे कुछ बेसिक सेंसर जो आपको फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है आप में से यहाँ पर कुछ सेंसर आपको पता हो और हो सकता है कुछ सेंसर ना पता हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रही।